भोजपुर आरा के नगरी प्रचारणी सभागार में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सौर उत्सव 4 मार्च 2023 को मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार विधान परिषद सम्राट चौधरी थे। आपको बता दें कि ये आयोजन सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी SDS के द्वारा किया गया है। भूषण सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उत्सव के तौर पर मनाने का सौर उत्सव के तौर पर मनाने का कार्यक्रम, जिस राजा ने इस देश के निर्माण की पूरे अखंड भारत का कल्पना किया था, उस राजा का हम लोग पूरी तरह उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। ये सौर उत्सव है और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पंडित चाणक्य के निर्देश पर भारत की कल्पना की, अखंड भारत बनाया, उसी उत्सव में हम लोग हैं। इस उत्सव का कोई राजनीतिक मतलब भी निकाला जा सकता है? देखिए, कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। इस देश के बिहार के लोग बहुत होशियार हैं, सब समझते हैं। बिहार में जो धनानंद रूपी बैठे हुए नीतीश कुमार हैं, उनको अब सत्ता से बाहर करने का समय आ गया। तमिलनाडु में लगातार मजदूर पिटा रहे हैं और वहां से लोग भाग रहे हैं जैसे पैसे। देखिए, वही तो हम लोग बार बार कह रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 लोग से अधिक बिहार में लोग लौट कर आए। कई लोगों का माथा फाटा हुआ है, कहीं का पैर टूटा हुआ, सब पर अत्याचार हुआ। आज जांच टीम हम लोगों की जारी है, पूरा सर्वेक्षण का कार्य चलेगा और पूरी शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल है, जदयू से लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं, पुराने चेहरे हैं, वो हटते जा रहे हैं और नीतीश कुमार दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी मजबूत है। देखिए, नीतीश कुमार अब इतिहास के पन्ने में है और नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके। 2025 तक वो बिहार में विधायक के बल पर MLA मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अब जनता की नज़र में वो मुख्यमंत्री नहीं है, ये बिहार की जनता ने तय कर दिया। सम्राट जी, आपने कुछ देर पहले कहा कि नीतीश, लालू और तेजस्वी को गद्दी नहीं देनी चाहिए और आप लोग भी वकालत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा दिया जाए और तेजस्वी को ताज सौंप दिया जाए। सवाल ही नहीं उठता है। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा, हम लोगों ने ये कहा कि डेट बताओ, डील क्या है, तुम लोगों का समझौता क्या है, तारीख तो बताओ। लेकिन ये स्पष्ट है कि लालू प्रसाद जी के सत्ता को 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने देखा है और किसी भी स्तर पर लालू प्रसाद जी का परिवार बिहार के विकास में काम नहीं दिया और ना आरक्षण दिया किसी वर्ग को। तो इसलिए सबसे पहले तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगना चाहिए कि मेरे माता पिता ने जो गलती किया, पहले माफ़ी मांगे और बिहार के विकास के लिए चिंता करें, तब कोई जनता सोचे। डील क्या थी सर, आखिर वो भी नहीं बता रहे, आप भी नहीं बता रहे। देखिए, हमारे घर से भागे 2020 के चुनाव में, पहले माफ़ी मांगे और बिहार के विकास के लिए चिंता करें, तब कोई जनता सोचे। डील क्या थी सर, आखिर वो भी नहीं बता रहे, आप भी नहीं बता रहे। देखिए, हमारे घर से भागे 2020 के चुनाव में, जबकि आप जानते हैं कि उनके पास मात्र 43 MLA था, तब भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री माना, क्योंकि हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार हों। लेकिन नीतीश कुमार, क्योंकि अब उनको प्रधानमंत्री का कीड़ा काट चुका है, 2-4 साल पहले भी उनको एक बार कीड़ा काटा था 2014-15 में, तो 2 सीटों पर जनता ने लेके जाने का काम किया। इस बार फिर उनको प्रधानमंत्री का कीड़ा काटा है, जनता इस बार उनको 0 पर आउट कर